संकल्प खत्म होना, वो राजसी और तामसी प्रवृत्तियों का खत्म होना। बाकी सतोगुणी भाव तो मन में रहते ही हैं, जिससे आप ईश्वर से प्रेम करते हो, जिससे आप अपने आप को राइट वे से चला पाते हो। आज समझो एक सत्संग तक ही आना है। अगर हमको भी मन में संकल्प नहीं होगा तो हम सत्संग कैसे आएंगे? मन में संकल्प होता है ना, शरीर की क्रिया भी तभी होती है। अगर मन में सुबह को नहाने का संकल्प ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? वो एक अलग बात है, आगे चल के एक अवस्था राजा जनक जैसी भी आ जाती है, जहाँ वो बोलता है मेरे को दातुन और लोटा भी दूसरा आके देता है। या जैसे गुरुजी अपना बताते थे कि गीता भगवान उनको बोलते थे सुबह हमारे ब्रश पे पेस्ट भी तुम आके लगाया करो, मतलब उन्होंने अपने को इस संकल्प से भी इतना खाली कर लिया। लेकिन अभी उस स्टेज पे तो आप नहीं हो, तो आपको ये संकल्प तो होंगे ना। ये जीवन मुक्त की स्थिति है और जीवन मुक्ति विदेह मुक्त होता है, तो ये जीवन मुक्त के पास भी ऐसा संकल्प तो है ही। आज समझो भगवान सामने बैठे रहते थे, पर जो भक्त इतने इंतज़ार कर रहे हैं, आएंगे अभी सत्संग करेंगे अभी मिलेंगे, तो उनके संकल्प भी उनके अंदर पहुंचते थे। तो फिर उनको संकल्प होता था उठ के जाएं, या गुरु गोविंद सिंह का घोड़ा मुड़ा, संकल्प हुआ उतरें, देखें घोड़ा हमको यहाँ क्यों ले आया है। तो वो तो है ही सबके साथ, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मन माना होता है जो माया के ख्याल लाता है, तेरी मेरी करता है, राग द्वेष करता है, कंपेयर करता है, कंपीट करता है। कई बार ये सतोगुणी माया के भी अधीन हो जाते हैं ना, यहाँ भी बहुत से विकार हैं। जब आपका मन उन सब चीज़ों से खाली है तो जैसे है ही नहीं, वर्तता ही नहीं है। अभी कोई कोई चीज़ नहीं होती है, जैसे समझो एक रूम ही है किसी का, या कोई घर में ही है आपसे बहुत बात नहीं करता, तो आप कहते हो मेरे लिए तो जैसे है जैसे नहीं है। तो ऐसे मन जैसे है जैसे नहीं है, नहीं हो गया वो, क्योंकि अब वो अपने उस विकार वाले स्वभाव में वर्तता नहीं, देह अध्यास वाले स्वभाव में वर्तता नहीं, तो जैसे नहीं है। कोई डायमंड के आपको इयररिंग्स मिल गए, कुछ मिल गया, पर आर्टिफिशियल पड़े भी हैं पर जैसे नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान ही नहीं जाता मुझे पहनने भी हैं। अब तो हम डायमंड के ही पहने रहते हैं, ध्यान ही नहीं है, पड़े भी हैं मेरे पास, अरे होंगे तो, रखे तो थे संभाल के, तो हैं भी सही लेकिन नहीं भी हैं आपके लिए। ऐसे ज्ञानी के पास मन है भी सही लेकिन नहीं भी है। मन माना जो मन भर भारी था वो भार हट गया। फिर मन की जो वृत्तियां हैं जिनमें ये प्रवृत्त होता है, उसकी वो वृत्तियां लय हो गईं, विकल्प, प्रमाण, स्मृति, उदासीनता, अभाव, ये वृत्तियां हैं मन की पांच प्रकार की। और ये पांच ही वृत्तियों से हम उपराम हो गए, ना विकल्प हैं, ना जगत की सत्यता के कोई प्रमाण हैं, मिथ्याभाव हो गया, भगवान सच हो गया। फिर स्मृति से विस्मृति हो गई, उदासीनता, जो उदास था वो उदासीनता में आ गया, अभाव कोई रहा नहीं। तो जब ये पांच अपनी मायाकार वृत्तियों में नहीं वर्तता मन, तो जैसे नहीं है मन। तो तब किसको हम मन कहते हैं? आप भी पहले दिन से सत्संग आए हो, बार बार मन की बात कही जाती है, तो आपने भी मन का कौन सा रूप समझा है अंदर में? यही वाला रूप तो समझा है भाई। कभी आप बोलते हो हमको दुख हो रहा है, मन में इच्छा आ गई ना तुम्हारे। कभी आप बोलते हो मैं नहीं झुक सकता फलाने के आगे, अच्छा मन अड़ के खड़ा हो गया ना तुम्हारा। कौन सा रूप समझा है मन का आपने? हम समाधानता सत्संग में किस मन के लिए लेते हैं? वो खत्म हो गया। अब तो आपके पास अगर संकल्प हैं भक्ति के हैं, प्यार के हैं,
सच्चाई के हैं, गुरु के ज्ञान को और समझने के, भक्ति में और मिटने के, साथ और करने के। अभी आपका संसार अगर देखोगे, मन का संसार, गुरु से शुरू होके गुरु पे ख़त्म हो जाता है। अल्टीमेट क्या रह गया आप बताओ? अल्टीमेटली तो और कुछ नहीं है। हर संकल्प आपका सत्संग से और गुरु से जुड़ा हुआ है। अभी मैं आपको बोलूँ, आप क्यों गए थे एक बुटीक पे? आप बोलोगे कपड़े सिलवाने गई थी, क्या करने हैं इतने कपड़े? नहीं, फिर आपके साथ जाना होता है, फिर बाहर निकलना होता है, फिर रोज़ सत्संग आना होता है। अब एक ज़रूरत थी आपके सत्संग के लिए, हवस नहीं थी, ज़रूरत थी। पहले फील्ड कोई नहीं था लेकिन हवस थी। और अपने अंदर से देखोगे, झंझट ये सब भी लगते हैं, भारी तो लगता ही है, कैसे जाओ, धक्के खाओ, फिर काम करो, पर लगता है मजबूरी है भाई। अब स्वरूप बदला हुआ है ना, हो सकता है कोई कोई कर्म भी सेम दिख रहा हो जो आप अज्ञान में करते थे, भाई अभी भी कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप देखोगे आपका एम चेंज हो गया है। अब आपके विचार अब वो वाले नहीं रहे, ना रस रहे, ना इच्छाएं रहीं, ना चीज़ें रहीं। मान लो किसी से मिलते भी हो, पहले होता था मुझे अपनी दोस्ती बढ़ानी है, अब होता था कोई थोड़ी सी चर्चा उनकी सुन ले, शायद जुड़ जाए, शायद इसको उमंग आ जाए, शायद इसके अंदर भाव बन जाए। कर तो आप अभी भी वही रहे हो, लगेगा उसी सहेली का दरवाज़ा पार कर रहे हो, लेकिन आप अंदर से बखूबी जानते हो मुझे कोई दोस्ती यारी नहीं बनानी, मुझे कोई अपने पीछे नहीं पड़वाना किसी को, मुझे किसी के पीछे नहीं पड़ना। उल्टा आप तो कन्नी काटते हो सबसे। अपने अंदर देखो ना, ऐसे लगता है निकल जाओ चुपचाप भैया, फिर कहीं बैठना पड़ जाता है। भावना एक ही है कि शायद इसके अंदर भी थोड़ा भाव बन जाए, प्यार बन जाए, शायद इसको भी रास्ता मिल जाए। तो देखने में तो कर्म आ रहे हैं सेम टू सेम, पर आपका हृदय कितना परिवर्तित है, भाव कितने परिवर्तित हैं। तो अब ये मन थोड़ी रह गया। हाँ, हो सकता है जब तक ज्ञान सही नहीं समझा था तब तक ये भी हो सकता है किसी को मास्टर बनाने की ज़रूरत नहीं समझी, किसी से सच्चाई रखने की ज़रूरत नहीं समझी। सत्संग अपनी जगह है, मेरा सर्कल अपनी जगह है, उस समय ये एंट होती होगी या भाव होते होंगे। पर आज आप देखो, सिर पे मास्टर को रखने का भी मन करता है, झूठ सच करने का तो सवाल ही नहीं उठता फिर। और उसके बावजूद भी जहाँ बैठे हो आपके पास सिर्फ एक हरि ध्यान में, कह सकते हैं हम लोग तो मछुआरे के पैरों के ही चक्कर काटते रहते हैं, जहाँ मर्जी बैठ जाएं, हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे। और तभी आप देखो अंदर आपके हल्कापन है, आप महसूस करोगे आपके अंदर हल्कापन और आपको अपनी सच्चाई पे बड़ा एतबार, ये आपके अंदर का भाव बन जाता है। आपको मालूम है मेरे अंदर कोई लेप छेप है ही नहीं। और एक ये संकल्प आ सकता है कि अरे मैं ये बात बता नहीं पाया अभी तक, बता देता चकल बता दूंगा जाके, लेकिन ये डर कभी नहीं आता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि आप मन के अधीन नहीं कर रहे हो। अपने अंदर भी आप देखोगे एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी फील होती है सत्संग के बाद, बहुत ट्रांसपेरेंट है अंदर वाला, गलती मानने को भी उसको डर नहीं है। अगर हम इसको भी गलत कह दें आप बोलोगे हाँ जी गलत है, आगे से ये भी नहीं होगा, मतलब एक मिनट नहीं लगेगा छोड़ने में आपको, सिंगल मिनट नहीं लगेगा। एक लड़का आता था, बड़ी अच्छी बात करता था वो बोलता था अगर आप मुझे कह दोगे ना, मैंने ऐसे हाथ में चाबी ऐसे लेके खड़ा हूँ, आप बोल दो तुझे आज से धंधे पे नहीं जाना, बोला मैं ऐसे खोल सकता हूँ हाथ, मेरे अंदर इतनी पावर है, आपकी दी हुई इतनी पावर है, मैं हाथ ऐसे खोल के चाबी वहीं छोड़ दूंगा, मैं चल दूंगा आपके साथ। तो ये एक अपनी सच्चाई अपने अंदर भी तो महसूस होती है ना। तो मन तो हम तब कहें जब वो रस के अधीन घूमता था, मन तो तब कहें आज चलो आपसे कोई बात भी करता है, कभी कभी लगता है कि हमसे कोई बात कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत हैं, सुन रहे हैं,
कई लोग होते हैं इधर की उधर करने वाले, पर फिर आप अपना मन टटोलो, आपके पास कोई चस्का बाकी नहीं है, फिर आपका दिमाग एक जगह चलता है, शायद इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, शायद इनके अंदर भी शुद्धि आ जाए, शायद इनको भी आकर्षण हो जाए भगवान का, तो आप अपने को अच्छे से टटोल के देख सकते हो। वो वाला मन नहीं, मजे लेने वाला मन है, चस्के लेने वाला मन है, बातों से स्वाद उठाने वाला मन है, बल्कि जब कोई बात करता है या तो आप कोशिश करते हो उसका ट्रैक सही करने की, अदरवाइज आपकी दूसरी कोशिश होती है फ़ोन रखने की, वहाँ से उठने की, अपने आप को हटा लेने की, कि जब अगला अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाह रहा छोड़ो, ऐसे लगता है मुंह का स्वाद बिगड़ता है जैसे, हालांकि ये नहीं है कि कोई स्वाद सचमुच का बिगड़ता है, पर ऐसे लगता है जो हम अपने भाव में मज़े में थे, ये बातें ना विघन सा ही डाल रही हैं, लीव इट असाइड, छोड़ो ना इसको, तो कहाँ रह गया मन अब हमारे पास। व्यवहार शरीर का इतना है जो आपका अति आवश्यक है, उसके आगे है नहीं। उसके अलावा भी एक बात देखो, हर वक्त आपका मन हुक्म बजाने को तैयार खड़ा है, हर वक्त। अगर हम आज भी बोल दें, अभी छुट्टियां होने में तो दिन है, आप ना कल से अटैची लेके आ जाओ, नहीं आओगे। अभी आप आए हो, मैं बोलूं शाम तक रुक जाओ, नहीं रुकोगे। तो मन तो जिसके पास होता है, मन उसको चलाता है, हमें मन कहाँ चला रहा है, हम तो भगवान के हुक्म से चल रहे हैं। तो जो राज करता था मुझ पर उसी को नौकर बना दिया है, जो मेरे पे राज कर रहा था उसी को आज गुरु ने नौकर बना के खड़ा कर दिया। अब मन की मजाल नहीं है फालतू बात करने की, अंदर की स्फुरना भी देखो, ज्ञान स्फुरित होता है कि नहीं होता है, मन के भाव कहाँ स्फुरित होते हैं, कौन सा संसार चलता है आपके अंदर, कोई इक्का दुक्का कभी था भी उसको भी गुरु ने तीर लगा दिया, वो भी खत्म हो गया। और सबसे अच्छा ये हो जाता है जब हमारी रुचि ईश्वर से लग जाती है, कभी खुदा ना खास्ता किसी का फोन आ भी जाए, कोई बात करना भी चाहे, कोई घर में ही आ जाए, वो आपको नमस्ते करते ही आपका सत्संग ठीक चल रहा है, आपके गुरुजी ठीक हैं, और आजकल आप लोगों का क्या नया पॉइंट चल रहा है, आपके पास कोई संसार की बात करना ही नहीं चाहता, रुचि आपको हो गई, समझ सारी दुनिया गई, क्या पूछते हैं आपसे। चलो मान लिया घर में है, बड़े भाई बहन होते हैं, कुछ होता है पता करते हैं, हालचाल लेते हैं, लेकिन सब उस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं जिसमें आपकी खुशी, हर एक व्यक्ति आपसे वही बात कर रहा है, कोई आपको अपना संसार भी शायद ना बताना चाहे, बताएगा तो एक सेंटेंस में। कभी कभी आप देखोगे आप ही के घर में रहते हुए दूसरे लोगों को वो बीमारी बताएंगे, दुख बताएंगे, परेशानी बताएंगे, और आपसे बात होते हुए आपसे आपके भगवान की चर्चा करके रख देंगे। आप बल्कि पूछोगे बढ़के, उसको तो तुमने बताया तुम बीमार हो, मुझे पता चला आप हॉस्पिटल गए थे, लेकिन अगले आपकी वृत्ति में उतना भी विक्षेप नहीं करना चाहते। यहां से समझो, जब हमारे मन ने अंदर से ये रस छोड़ दिए, दुनिया ने हमें अपने आप छोड़ दिया, तो जैसे मन है ही नहीं अब हमारे पास, कहाँ है ये मन। होता अगर पहले वाला, सौ सौ तो संकल्प करता बैठ के, सौ सौ विचार करता, हजारों बातें सोचता अंदर में, अभी तो कुछ नहीं। रामकृष्ण परमहंस को एक बार खबर मिली, कोई एक बड़ा ऐसा व्यक्ति था नास्तिक टाइप, जो हर किसी के पास जाता था और उनके ज्ञान का बड़ा खंडन करना, उनकी बातों को काटना और अपने को सही प्रूव करना, ऐसा उसका नेचर था। रामकृष्ण परमहंस को खबर मिली वो आदमी उनसे मिलने आ रहा है, पहले तो डर गए अंदर ही अंदर ना, डर गए, घबरा गए, परेशान होने लगे कि वो आ रहा है, फिर मैं क्या बात करूंगा। शिष्यों को ही बोला, मैं तो बुद्धू सा हूँ, मुझे कुछ आता नहीं, वो इतना चालाक आदमी क्यों बुलाया मिलने को।
थोड़ी देर ऐसे बैठे, फिर सबने देखा उठ उठ के ना दरवाजे तक जाते हैं, देखाते हैं आया नहीं अभी, आया नहीं अभी। सबने कहा अभी तो थोड़ी देर पहले आप इतना उलझ रहे थे उसके आने से, अब आप इतना उसकी इंतजार कर रहे हो। बोले अब मुझे समझ में आ गया। भाई क्या समझ में आ गया आपको? बोला मेरे को ये समझ में आ गया, जब वो कहता है नहीं है भगवान, तो भगवान को मान रहा है तभी तो नहीं है कह रहा है ना। मुझे समझ में आ गया, और मुझे ये भी समझ में आ गया बोलने वाली तो माँ है, वो बात करेगी, मैं तो बैठ के देखूंगा माँ उसको कैसे ठीक करती है, मैं तो बैठ के देखूंगा। तो महापुरुषों के जीवन में भी आती हैं बातें। मान लो एक क्षण के लिए मन आ गया डराने के लिए, तेरे को तो कुछ आता नहीं, वो चालाक आदमी, दूसरे ही क्षण अपने इष्ट का भरोसा उठा, अब तो वो इंतजार कर रहे हैं। और सच में जब वो आया आदमी, बैठा, बातचीत हुई, उसने घर जाके अपनी कॉपी में लिखा, पहली बार मैं किसी आदमी से प्रभावित हुआ हूं, और मुझे यकीन है ये मेरी नास्तिकता को आस्तिकता में बदल के रहेगा। क्योंकि वो बार बार काटे बात और रामकृष्ण उसको गले लगाए जाके, बड़ा सही कह रहा है तू, मैं समझ रहा हूँ तेरी लीला भगवान, समझ रहा हूँ। वो बात काट रहा है, खंडन कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, और ये उसको प्यार किए जा रहे हैं। वो ऐसे छोटा सा मुंह लेके उठा इनके घर से, और चिंतन करते करते उसने रात को लिख डाला, ये मुझे बदल के रहेगा, मुझे समझ में आ गया, इस आदमी में वो शक्ति है, आकर्षण है। तो आते तो है ना संकल्प, लेकिन जब ज्ञान मथा हुआ है, इतना विवेक ऐसा प्रकाश करता है उस समय, मन आपका किनारे हो जाता है। जब राजा के पास तराजू रखा था, संत ने बोला मैं हीरा रखता हूं अपना, दूसरी तरफ तू तौल के मुझे कुछ दे दे। सारा खजाना डाल दिया पर हीरा तो टस से मसी ना हो। बोला ये क्या चक्कर है? तो क्या किया उसने, मिट्टी उठाई और हीरे पर डाल दी, तराजू इतना उठ गया कि एक तिनका भी रखने की जरूरत ना पड़ी। बोला ये क्या है? बोला ये है तेरा विवेक, ये दमकता हुआ हीरा है, और जब ये हीरा दमक रहा है सारे जगत की वैल्यू जीरो है, पूरा जगत उसका पलड़ा नहीं उठा पा रहा, पर थोड़ा सा ही विवेक धूमिल पड़ता है, सारे जगत की भावना सत हो जाती है, विवेक हल्का हो गया बहुत। तो ये जो विवेक शक्ति गुरु ने जागृत करके दी है, ये विवेक इतना प्रकाशित रहता है कि मन के हर संकल्प को ले कर देता है। अगर कभी आ भी जाते होंगे, वैसे तो आते नहीं, क्योंकि आप भगवान से फुर्सत पाओ तो संसार का कोई संकल्प भी करो। सबसे पहली बात तो है, राबिया की तरह हर एक को भगवान ने भगवान में मस्त कर दिया, राबिया वाली स्थिति है ना, सब भगवान में मस्त हो। अगर आपसे भी कोई पूछेगा तो आप कहोगे भगवान से फुर्सत होए तो शैतान देखूं। सच में अंदर देखो, जो राग द्वेष के भाव थे पता ही नहीं कहां चले गए। निर्मल मन, निर्मल मन चह गुरुवर प्यारे, और निर्मल मन करें गुरुवर प्यारे। निर्मल मन करना भी गुरु का ही काम है। आप देखोगे आपके लिए भी किसी ने कुछ गलत कहा हो, बुरा बोला हो, आपका मन बदला भी नहीं लेना चाहता, जतलाना भी नहीं चाहता, पता नहीं क्यों उस विषय पे सोचना ही नहीं चाहते। एक स्थिति देखी है अपने अंदर घटती हुई, कितनी अजीब स्थिति हो गई है, हम लाना ही नहीं चाहते मुद्दे को बीच में। और यही पहले वाले होते, सिद्ध करूं, लड़ाई करूं, बताऊं, ऐसा करूं, अभी अंदर वाला कहते ठीक है ना, छोड़ परे छोड़ परे। क्यों क्यों छोड़ते जा रहे हो?
शायद विचार भी नहीं देना पड़ रहा। कितना अच्छा अनुभव होता है आज, आपको एक विचार से भी मन को बनाने की जरूरत नहीं लग रही है कि एक विचार तो दे दूं अपने को, मन ही कह रहा है छोड़। ये वही मन है। मन तब था जब ये मुझे तंग कर रहा था। आपने सिक्का देखा होगा, सिक्के के दो पहलू, एक हेड्स होता है एक टेल्स होता है। मन और विवेक ये एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। जब ये संसार की तरफ मुड़ता है या सांसारिक वृत्तियों में वर्तता है कहना चाहिए, इसको हम मन कहते हैं। और जब ये सात्विकता में वर्तता है, ज्ञान में वर्तता है, पॉजिटिविटी में रहता है, अपलिफ्ट रहता है, उद्धर्व गति की तरफ जाता है, इसको हम विवेक कहते हैं। है वही, दोनों रूप इसी के हैं। एक मन का रूप हो गया, एक विवेक का रूप हो गया। अब जब आप विवेक से चलते हो, विवेक का आदर करके चलते हो, जागृत है आपका विवेक, तो प्रकाश में तो एट ए टाइम एक ही पहलू आता है ना। अभी अगर हम सिक्के को उछालेंगे, मेरे हाथ में आएगा तो प्रकाश में तो एक पहलू आएगा, या तो आएगा हेड्स या आएगा टेल्स। तो जीवन में एक पहलू प्रकाशित रहता है, या मन का या विवेक का। जब हम अज्ञानता में वरत रहे हैं, मन का पहलू प्रकाशित रहता है। अब जब हम भगवान की शरण आ जाते हैं, विवेक वाला पहलू उजागर रहता है। परिस्थितियां वही हैं, सब कुछ वही है। अब आपकी सोच, आपकी नज़र, आपका नज़रिया, सब कुछ बदल जाने से चेंज हो गया, आपके अंदर चेंज हो गया। जिन बातों से अशांतियां थीं, आज वो बातें अंदर टिकती ही नहीं हैं। अशांति होना तो दूर की बात है, चिंतन चलना तो दूर की बात है, अंदर जैसे कुछ टिकता ही नहीं है, खाली हो गए। इसको भगवान ने बोला सर्व संकल्पों का त्यागी। गीता में भगवान बात कर रहे हैं, एक तरफ अर्जुन को कहते हैं सर्व संकल्पों का त्यागी, लक्षणा बता रहे हैं। फिर युद्ध का संकल्प खुद तो उठा रहे हैं उसके अंदर। अगर अर्जुन के अंदर संकल्प ना होता, युद्ध कैसे होता? अगर भगवान के स्वयं के अंदर संकल्प ना होता, पहिया कैसे उठाया? सर्व संकल्पों का त्यागी है ज्ञानी, पर कौन से? स्वार्थ वाले, मोह वाले, माया वाले, इच्छा वाले, ऐसे संकल्पों का बराबर त्यागी है। पर निष्काम का संकल्प, सर्व के हित का संकल्प। फिर भगवान एक इशारा और दे गए गीता में, मुझे संसार में प्राप्त करने योग्य कुछ नहीं है, तो भी प्रजा का हनन करने वाला ना हूं, इसीलिए मैं भी धर्म विजूद वर्तता हूं। संकल्प हुआ नहीं हुआ, प्रजा का हनन करने वाला ना हो जाऊं और एक आदर्श रखने का है, तो इसका मतलब संकल्प है ये भी। तो ये शुद्ध संकल्प तो ज्ञानी के भीतर भी रहते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। कई संतों ने बताया अंतिम समय, अभी प्राणों ने पैरों का साथ छोड़ा, हाथ का छोड़ा, तो संकल्प की चौथी पीढ़ी शब्द है आ रहा है ना, संकल्प फुरना तो हो ही रही है, इसमें कौन बड़ी बात है। आज किसी के उद्धार का भी फुरना आता है, तो वो इसका मतलब मन तो है, पर अब मन विवेक रूप वाला है। जैसे अभी संसार में आप किसी की सेवा भी लेते हो अपने स्वार्थ के लिए, ज्ञानी का नजरिया बदल गया, अगले के सुख के लिए उसको सेवा दे देता है, कर तो अपना काम खुद भी सकता है, उस जैसा कुशल कौन होगा। तभी आप देखोगे बाहर से देखने में ज्ञानी और अज्ञानी के नहीं कर्म में भेद,
दोनों की दूजी भावना जिसने किया मोक्ष और खेद, दोनों की दूजी भावनाएं, एक मोक्ष कर लिया अपना, एक अभी खेद में पड़ा हुआ है, भावना का फर्क, कर्म का नहीं। संसार में भी कोई सेवा ले सकता है किसी की, पर उसको कहेंगे ये स्वार्थी व्यक्ति है, अपनी सेवा चाहता है, लोगों को यूज करता है, चीज यूज करता है। और ज्ञानी के लिए नहीं कहेंगे, उसका सेवा लेना भी निष्काम है। आज समझो आप बैठे हो रूम में, हम उठ के पानी पीने जाएं, कैंपर से निकालें, गिलास उठाएं, आपको कितना बुरा लग जाएगा, मैं इस लायक भी नहीं क्या? ऐसा नहीं ज्ञानी उठ के जा नहीं सकता, उसको काहे का आलस, जा सकता है, लेकिन आपको कितना बुरा लग जाएगा। या हम ऊपर जाएं किचन में, आप सामने बैठे हो, हम रसोई में जाके अपनी प्लेट लगवा के ले आए, तो ज्ञानी को क्या करना पड़ेगा? सेवा भी अगले के सुख के लिए स्वीकारनी पड़ेगी, अपने सुख के लिए नहीं, क्योंकि बड़ा फर्क हो जाता है। आज आपको बोला भाई एक गिलास पानी ले आओ, अब आप पानी कैसा लाओगे? अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग, आपको नॉर्मल सा पसंद है, आप नॉर्मल उठा लाओगे, ठंडा पसंद है तेज ठंडा ले आओगे, मिक्स पसंद है मिक्स लाओगे, कैसा लाओगे पानी? या फिर प्रश्न करने खड़े हो जाओगे, आपका गिलास कौन सा है? अच्छा ठंडा लाऊं गर्म लाऊं? अब ऐसे में कोई नॉर्मल व्यक्ति हो तो चिढ़ ही जाएगा, भैया रहन दे मैं आप ही कर लेता हूँ, इतनी देर देर से मत्था लगाऊं। आप फील करो, ज्ञानी का सेवा लेना भी हम सबके ऊपर उपकार हो जाता है, क्योंकि अपनी पसंद भी नहीं रह जाती, और कभी कभी तो अच्छा भाई ले आ, जैसा भी ले आया चलो कोई बात नहीं, ठीक है, होता है नहीं होता? आप ऐसी सेवा लेके देखो, पूरा दिन लेके देखो, आपको शाम तक इतनी विक्षेपता आ जाएगी, कुछ कहने की हद नहीं। अगले अपनी तरफ से बहुत अच्छा करेंगे, पर आपकी पसंद के अनुसार ना हो तो आपको कितना पसंद आ जाएगा, है ना? तो ये भी एक निष्काम भाव हुआ ना ज्ञानी का, कि अगर लग रहा है कर्म दिख रहा है सामने कि अज्ञानी ने भी ऐसा किया, ज्ञानी ने भी किया, पर ज्ञानी की भावना में बहुत फर्क है। अब आपको बोलें चलो नैनीताल जाओ, कहीं जाओ, आप पहले दिमाग में ये सोचोगे दो तीन कंफर्टेबल लोग चलें, घूम के आएंगे, मौज करके आएंगे, ले जाओगे 400 लोगों की बारात अपने साथ, और जाके सारा दिन सत्संग करो और मत्था मारो, क्या एंजॉय किया आपने? सिर्फ एंजॉय कराया, किया नहीं। ज्ञानी कहीं भी है, दादाजी बोलते थे मैं 24 घंटे सेवा में हूं, जब तुम कह रहे हो मैं दादा तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, मैं तब भी सेवा में हूं, क्योंकि तुम्हारे भाव पूरे कर रहा हूं, मुझे पसंद है नहीं पसंद है, मेरी मर्जी की चीज है नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चलने दो। तुम बोलोगे दादा घूमने गए, दादा नहीं गए घूमने, दादा घुमाने गए, तुम सब एंजॉय करके आए, दादा ने तो ज्यादा तप किया, दादा तो सुबह से उठा रात तक कमाता ही रहा और सब सुख लेके आए, तुमने तो कहा मेरी एक ही दिन गुरु से बात हुई और दादा की किससे बात नहीं हुई, अंतर हो गया। कर्म सेम दिखने में आ रहा है, अंदर की भावना बदल गई। अब एक दिन दादाजी बैठे थे, बैठे बैठे कहते हैं आज कड़ा प्रसाद बनाओ, हलवा बनाओ, नेचुरल है जो इर्द गिर्द होते हैं। एक दो आज दादा का हलवा खाने का मन हुआ है, आज दादा हलवा खाना चाहते हैं, बड़े शौक से हलवा बनवाया गया, दादा ने कहा है तो बनेगा, हलवा बन गया, तैयार हो गया, दादा हलवा बन गया ले आए, बांट दो सब में, आप थोड़ा चखेंगे, हमको नहीं चाहिए। सब शर्मिंदा हो गए, दादा ने तो हलवे का संकल्प भी संगत के लिए किया, दादा को खाना ही नहीं था। तो संकल्प होता है ज्ञानी के अंदर, ये नहीं है नहीं होता है, लेकिन आप देखो संकल्प में उसका निजी स्वार्थ कहीं है ही नहीं, संकल्प में उसका अपना कोई बेनिफिट है ही नहीं, सबके लिए संकल्प। अब संकल्प हो गया नैनीताल चलें, चले तो सही,
पर किसके लिए चले? सबके लिए। आप लोगों ने फिर भी बैठ के ठंडी हवा खाई होगी, कोई एंजॉय किया होगा, कोई सीन देखा होगा। सत्संग में सब कह रहे बड़ा मजा आता था आपके पीछे, पहाड़ ये वो। हमने घर आके इन लोगों को बोला हमको भी दिखाओ वो जो नेट पे तुमने डाला कौन से पहाड़ थे पीछे, क्योंकि गर्दन ऐसे करके दिखा ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कुछ है भी सही पीछे। वही सत्संग वही भजन, चार चार घंटे उसी में लग जा रहे थे, पता ही नहीं चलता था कुछ। तो संकल्प तो हुआ, कितनों को कर्म भी बने होंगे, इनको संकल्प हुआ क्यों जा रहे हैं नैनीताल, क्या करने जा रहे हैं, पर किसके लिए हुआ? सर्व के हित के लिए हुआ। कितने बुजुर्गों ने बोला हमारा बड़ा तमन्ना थी, हिल स्टेशन नहीं देखा था, किसी ने बोला कब से मन था नैनीताल जाने का, बच्चे कहते थे ठंड है बीमार हो जाओगे हम नहीं ले जाते, पहाड़ है, और घूम के खा के आ गए। अब पता नहीं किसके लिए संकल्प हुआ, क्यों हुआ, हुआ तो अब उस संकल्प को फिर अपने में मानना, ये हो जाता है देहाध्यास, ये हो जाता है अज्ञान। मन में संकल्प हुआ मैं ये देख सकता हूं हवा आई, खुशबू ले आई बदबू ले आई, कहां से आ रही है? कूड़े के ढेर से होके आ रही है, हवा या फूलों के बगीचे से? मेरे अंदर जो संकल्प हुआ वो संकल्प स्वार्थ वाला हुआ, निष्काम वाला हुआ? पहली बात तो फूलों से आना चाहिए संकल्प, फूलों की खुशबू आनी चाहिए, फूलों के बगीचे से होती हुई लहर आनी चाहिए, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, मैं उस संकल्प का साक्षी हूँ, मुझ में संकल्प नहीं है, मैं संकल्प विकल्प रहता हूँ, ब्रह्म में संकल्प नहीं है। मैंने साक्षी होके जाना मन को कैसा संकल्प हुआ, फिर मैं ये नहीं कहूँगा ये संकल्प मेरे में हुआ, मेरे में नहीं हुआ। जब आप मन का धर्म अपने में मानते हो ये देहाध्यास हो जाता है, आप अपने में मानते हो। और जबकि आपको अपने में अज्ञान भी नहीं मानना है, कई लोग जब हम अज्ञानी थे, आत्मा कभी अज्ञानी नहीं था भाई, भूल पड़ गई थी बस, आत्मा कभी अज्ञानी नहीं था, आत्मा को कभी मन भी नहीं है, आत्मा को अज्ञान भी नहीं है। तो अपने स्वरूप में कूटस्थ जब हम रहते हैं तो हम पचासों चीजों का इस्तेमाल करते हैं भाई। अभी सत्संग सब तक पहुंचाने के लिए माइक का आधार है, पर फिर भी मेरा गला अलग है, माइक अलग है। माइक के ना होने पर भी मैं बात कर सकता हूं, पर मेरे ना होने पे माइक बात नहीं कर सकता। मन को भी मेरी सत्ता, पर मैं मन का संकल्प मानूं या नहीं मानूं मेरे पे डिपेंड करता है। और उस संकल्प को भी मैं अपने, मुझे ख्याल आ गया, मुझे कोई ख्याल नहीं आया, मन को ख्याल आया। नौकर की मिस्टेक नौकर की डायरी में लिखो, अपनी डायरी में क्यों लिख रहे हो? साक्षी हूं मैं अपनी बुद्धि और मन का, नहीं वास्ता कुछ भी कोई मेरे तन का। मुझे निज स्वरूप का पता देने वाले, कैसे रसना गुरु तेरी महिमा गाले। साक्षी हूं मैं अपने बुद्धि और मन का, दिन भर में अनेक कारण बनते हैं, साक्षी भाव में रहने पर आप उसके अधीन नहीं होते। अब क्यों आप अब प्रसन्नचित रहते हो? और पहले क्या होता, जरे जरे मूड खराब, ऑफ ऑन कुछ कुछ होता रहता था। क्यों होता था? क्योंकि मन की बात अपने में, मन ने कहा रो भाई रो, रोना शुरू कर दिया, मन ने कहा मूड खराब कर ले, कर लिया, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे को ऐसे कह दिया। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि अब आप साक्षी होके मन को विचार दे लेते हो, बल्कि दृष्टा होके देखते हो, अच्छा ये क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बकवास कर रहा है, कितना बोल रहा है। और जो साक्षी होते हो मन चुप हो जाता है, और जब शांत होता है मन, इसको ज्योत स्वरूप का बोध कराते ही अंदर से बात गुम। यही तो है कारण, तो आज भी बनते होंगे आप विक्षिप्तता में, क्यों नहीं? अगले का स्वभाव ठीक हो गया क्या सारा? शायद बढ़ी गया हो, घटाना हो, लेकिन अपने अंदर क्या है? एक साक्षी भाव। आप अपने मन को चुप कराना सीख गए हो, विवेक इतना कॉन्शियस है, विवेक इतना जागृत है आपका, कि तुरंत फुरंत ऐसे लगता है जैसे आग लगे ना, दमकल की गाड़ियां आ जाती हैं,
जरा सी कोई बात तो ऐसे लगता है विचारों का झुरमुटी लग जाता है चारों तरफ, और मन शांत साखी होते। अब बोध स्वरूप का एहसास करवाना कितना देर का काम रह जाता है। अब स्वरूप का बोध करो, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान या कोई भी आत्मा का विचार आ गया, लय हो गया। अब मन उठा और मन लय हुआ, इसका साक्षी कौन है? मैं हूं ना साक्षी इसका, देखने वाला। तो मैं मन का धर्म अपने में कैसे मान सकता हूं? ये अज्ञान की बोलियां बोलते हैं सारी। मुझे ये ख्याल आ गया, फिर मैंने ये विचार किया, मेरे मन में फिर ये बात आ गई, फिर मैंने ये विचार दिया, मन में आई ना, तेरे में नहीं आई। तू है साक्षी स्वरूप, कोई कोई जाने रे। इस चीज का अनुभव जो करना शुरू करता है वो समझ जाता है कि मन मेरे से बहुत अलग है, और इसीलिए मन के अधीन नहीं होता है। पहले हम लोग मन के अधीन क्यों हो जाते थे? क्योंकि तुरंत हम अपने आपके रिएक्शंस रोक नहीं पाते थे। हमने भी क्रोध कर दिया, हम भी चिढ़ गए, हम भी उलझ गए, हम भी परेशान हो गए, पर अभी अभी देखते हो अंदर अपनी शांति बनी रहती है। बाहर की अशांति को टैकल करने के लिए भले कोई युक्ति कर लो, ऐसा नहीं कि जो युक्ति भी मैं कर रहा हूं वो अपने को शांत करने के लिए, सामने वाले की शांति के लिए, क्योंकि अपने अंदर की शांति स्टेबल रहती है, अपने अंदर स्थिरता रहती है, अपने अंदर जागृति बनी रहती है। आप महसूस करके देख लो। अगर आपको कहें आप कोई रिएक्शन मत करो, पहले होता था मैं जब तक रिएक्शन ना कर लूं मुझे चैन नहीं आएगा, मैं जब तक दो की चार ना बोल लूं मुझे चैन नहीं आएगा, होता था ना। और अभी आपको अगर कहें सफाई भी नहीं देनी, आपको पलट के आपके अंदर अपनी ब्रह्म शांति है, ना तो ना सही, कोई सुनना ना चाहे इट्स ओके। और पहले चिंतन चलता था, सुना के तो रहूंगा, मैं बताऊं ही नहीं, ये मतलब मेरे को गलत सोच रहा है इतना। अब आपको वो भी टेंशन नहीं है, इसका मतलब अपनी शांति कायम है। जो युक्ति भी हो रही है चाहे सामने वाले की, शांति के लिए जरूरी का पार्ट, अदरवाइज अब क्यों नहीं उठ रहा मन? तो कहां है मन? जब मन बेचारा अपने स्वभाव में वरत ही नहीं रहा तो जैसे नहीं है। यही होता है मन का गुम होना, जो गुरु के पास आके भी कहते हैं ना, मन लय हो जाए, लय हो जाए, देख गंदी बातों से ऊपर उठ जाए, तेरी मेरी राग द्वेष कंपैरिजन होड़ ईर्ष्या जलन, ये वाले गंदे स्वभाव हमारा मन छोड़ पाए, जो मेन बात है बस, इसके ऊपर कोई भी बात नहीं है। अगर हम इन सब बातों को हटा पाते हैं तो जैसे मन नहीं है हमारे लिए, ये फर्क हो जाता है। अब कई चीजें वैसे भी हैं जो आपके साथ हैं पर नहीं है। अभी आप माथे पे बिंदी लगाते हो, पहली बार लगाओ तो लगता है कुछ लगाया लगाया, पर अब आपको पता चलता है सारा दिन। तिलक लगा देते, हवन में जाओ मंदिर जाओ, पता चलता है जैसे है जैसे नहीं है। घड़ी पहनते हैं जिनको रोज की आदत है, जैसे है जैसे नहीं है। चेन गले में डालते हैं, जैसे है जैसे नहीं है। तो अब ज्ञानी क्या कहता है? मन भी मेरी शोभा, विचार भी मेरी शोभा, जैसे समुद्र की शान है लहरें, मेरी शान है संकल्प, उसमें कौन बड़ी बात है? मैं महासागर हूं, विश्व सब लहर है मेरी, महासागर हूं मैं जिसका, मैं घटता हूं ना बढ़ता हूं, सदा एक सार रहता हूं। मेरा घटत और बढ़त का स्वभाव नहीं है, मैं कैसा हूं? मैं सदा एक सार रहता हूं, एक सार। मेरी महिमा लहरों के कारण घटती बढ़ती नहीं है कि लहरें कम उठ रही हैं तो शायद मेरी महिमा घट गई, लहरें ज्यादा हो रही हैं मेरी महिमा बढ़ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो कूटस्थ निश्चल हैं, अविद्या के हैं सब कर्तव्य। ये सब
मन का खेल, बुद्धि का खेल, वाणी का खेल ये मुझ में नहीं है। मन बुद्धि वाणी से बहुत परे मैं साक्षी स्वरूप हूं, और मन बुद्धि वाणी नहीं जानत, वेद कहत सकुचाए, राम रमैया परम पुरुष है घटमाही दर्शाए। मन बुद्धि वाणी नहीं जानत, वेद कहत सकुचाए, मेरी महिमा क्या है जिसको वेद भी बखान नहीं कर सकते, सकुचाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं, और मन बुद्धि वाणी तो मेरे को वैसे ही नहीं जानते। राम रमैया परम पुरुष है, रमता राम घट माही दर्शाए, ये गुरु ने मुझे अंदर अनुभव करा दिया। अब जब राम का भाव हुआ माना प्रकाश हुआ, अब अंधकार का क्या काम, अब मन बुद्धि वाणी क्या हो जाते हैं। आप अभी आत्म विचार करो, आत्मा का भाव बनाओ, मन बुद्धि वाणी वैसे ही लय हो जाते हैं। कभी कभी कोई भजन चलता है ना, आप बुद्धि चलाते हो, मन चलता है बीच में, या बोलते हो, पर कभी कोई बहुत आत्मा का गूढ़ भजन चले और आपकी वृत्ति एकाग्र हो जाए, आप देखो ना मन है ना बुद्धि है, बोलते बोलते वाणी भी कब रुक गई पता नहीं चला, आप अंतर्मुख हो गए। भजन पूरा होने के बाद ध्यान आया ये भजन चल रहा था, स्वरूप में एकाग्र होते ही मन बुद्धि वाणी का धर्म लय हो जाता है। तभी भजन आनंद के बाद एक स्थिति है ब्रह्मानंद की, भजन आनंद में भी अभी मन में रस आ रहा है, हम गा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, फिर ब्रह्मानंद में तो इन सब के धर्म लय हैं, अपने में ही शांत हो गया। शांत भय हम शांत भय, ओम में पूर्ण विराम। अब मन की बात कहां रह गई, अब मन कहां आएगा, पर आप भी कह सकते हो मेरे पास ना अब मन आता नहीं, नहीं कह सकते पूरे दिन में मन कहां आता है आपके पास, मेरे घर का भूला है वो रास्ता, अब तो रास्ता रास्ता भूल गया वो, ना ये फीलिंग आती है मैं त्याग करता हूं, ना ये फीलिंग आती है मैं सहन करता हूं। जब तक मन रहता है ना वो ये वाली ढूंढियां भी पिटता रहता है, पर जब ही मन है नहीं आपके पास वो वाला, ये कहना भी छोड़ देता। अब आप कहते हो आजकल मैं बड़ा त्याग करता हूं, मैं बड़ा सह के रह रहा हूं, मुझे पता है मैं गुजारा कर रहा हूं, धन हूं मैं, कहां है ये बातें, कब की पीछे छूट गई। आज भी कोशिश सिर्फ एक है, अपने को बनाते रहने की कोशिश छूट गई, दूसरे को रियलाइज करा दूं, बोल दूं, और उससे भी ऊपर एक करुणा, जैसे उस दिन बताया ना संत को, उसने वो अंगीठी पे वो लीप रही थी और संत के मुंह पे कपड़ा दे मारा, वो घर आके उसको भी जोत जला के बैठ गया, बोला जैसे इधर अंधकार हरा है भगवान उस माता के हृदय को भी प्रकाशित करो, कुछ नहीं बस चलेगा तो प्रेयर करने लगते हो अगले के लिए, ईश्वर इसके हृदय में भी शांति दे दो, ईश्वर ये भी शांत हो जाए, जैसे आपने कृपा करके मेरे मन को रिलैक्स किया है, शांत किया है, सारी हलचल से खाली किया है, परमात्मा इसके हृदय को भी ऐसी शांति दे दो। हद से हद संकल्प ये आ जाएगा, वो फिर भी नहीं आता कि मुझे इस पे गुस्सा आ रहा, दिल कर रहा है मुंह तोड़ दूं, दिल वो भाव खत्म हो गए। कहां गए आपके उद्वेग, वो गुरु के ज्ञान से लय हो गए। तो जब मन के स्वभाव लय हो गए तो बाकी मन बचा क्या। घर में देखते हो कोई बड़ा व्यक्ति होता है जवानी के समय या बच्चों के बड़े होते तक बड़ा डिक्टेटरशिप थी, क्रोध है ना, और बड़े होते होते फिर स्वभाव ढलता है उम्र के हिसाब से। आप कहते हो हमारे बाबूजी तो वो रहे नहीं जो पहले थे, बात बात में क्रोध करना, गुस्सा करना, अब तो ये बड़ा ढल गए हैं, अब नहीं है ये बाबूजी, नहीं है हमारे वो जो हुआ करते थे, ये माँ हमारी वो नहीं है जो हुआ करती थी। क्यों, अब उनके स्वभाव खत्म होते ही आपको लगता है ये वो है ही नहीं। मन के स्वभाव खत्म होते ही ज्ञानी फील कर लेता है मन है ही नहीं, अब तो विवेक है,
अब मन कहाँ है? अब मन की बातें कहाँ हैं? मन की हलचल कहाँ है? सारी हलचल खत्म हो गई। तो जो स्वभाव थे ना मन के, वो खत्म होंगे, फिर ये शुद्ध मन हो जाएगा। भगवान एक शब्द बोलते थे शुद्ध मन, सुना होगा कई बार कैसेट में। तो शुद्ध मन क्या है? विवेक को ही कहते हैं। वो मन जो संसार के संकल्पों में फंसा हुआ था, मायाकार वृत्तियां थीं, उद्वेग थे, संस्कार थे बीच बीच में, वो सारे खत्म हो गए। सुकरात के पास एक बार कोई आया, वो शक्ल देख के व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन करता था। सुकरात बैठे थे, अब अगलों को कई बार ये भी होता है, महापुरुषों को नीचा दिखाएं, कुछ करें, संगत के बीच में ही कहने लगा, मैं तो शक्ल देख के बता देता हूँ, तुम तो बड़े अहंकारी, तुम तो बड़े हठी, तुम तो ऐसे, मतलब जितना अपमान वो कर सकता था उसने ऐसे शब्द बोले। सुकरात प्यार से सुनते रहे। जब उसकी बात खत्म हुई, कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने फेस रीडिंग करनी थी, फेस देख के ही बताया, अब शक्ल तो बदल नहीं गई ज्ञान के बाद, सच में मेरे ये स्वभाव थे बोध जागने से पहले, पर आज मेरे गुरु की कृपा, मेरे ईश्वर की कृपा, सब प्रेमियों का आशीर्वाद, आज वो स्वभाव नहीं, परिवर्तन आ गया, नहीं मान रहा। अब आप हो अगर तो कितना उद्वेग में, एक साधारण व्यक्ति हो कितना उद्वेग में आ जाए, सबके बीच मेरी इज्जत उतार रहा है, ऐसे बोल रहा है, मैं ऐसा हूं क्या? पर उन्होंने बड़े प्यार से बोला, बोला था मन में ये सब था, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आप तो फेस देख के बात करते, पर आज नहीं, मन था पर आज नहीं, गुरु के मिलने से पहले मन ही था हमारे पास, सांसारिक बातें करने वाला, विकारी, पता नहीं कौन कौन से जन्मों के संस्कार भरे हुए, पर अभी तो अपने को वैसा नहीं बोल सकते, अभी तो महसूस होता है तो भीतर भगवान बैठा है, राम राज हो गया, पहले हमने नौकरी बांधी हुई थी मन की, पर अभी तो फर्क लगा कि मन हमारा नौकर हो गया, हम मन के नौकर नहीं हैं, मन हमारा नौकर हो गया, हम मन के पीछे नहीं जाते, मन हमारे पीछे आता है, अब ये डिफरेंस हो गया। पहले हो रहा था मैं मन का गुलाम था, अब पता चला मुझे मन को अपनी सवारी में सीधा करना आ गया। कोई मन का संकल्प ऐसा है जिसके लिए आपके पास ज्ञान का विचार ना भी हो? है। और कोई विचार ऐसा है जो बहुत देर तक हमें घेर सके? नहीं। पहले आता नहीं, आता है तो क्षण भर में उड़ा देते, और उड़ता भी कैसा है, बचे ना उसकी राख। इतना पावरफुल ये ज्ञान है, ऐसा ये सच है, मन का कोई भी संकल्प कपूर की तरह उड़ता है, दोबारा याद भी नहीं आएगा, दोबारा भीतर भी नहीं आएगा। अज्ञान के भी कई स्वभाव होंगे जो ज्ञान में आने के बाद भी कुछ समय चले होंगे, पर अब देखो तो उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। सब परिवर्तन, जिनको ये होती है ना कैंसर में कीमोथेरेपी, तो उनका क्या होता है कि अच्छे सेल्स भी मारता है, बुरे सेल्स भी मार देती है, वो दवाई ऐसी है भाई, उन बुरे कीटाणुओं को तो मारती है, पर जो अच्छे कीटाणु हैं ना वो उनको भी मार डालती है, तभी देखो लोग कमज़ोर हो जाते हैं, कई बेचारे तो सही नहीं पाते, कीमोडेथी हो जाता है, क्योंकि वो अंदर जाके दोनों तरह के कीड़ों को मारने लग जाती है, ऐसी है वो दवा। अगर आपने घर में एक्वेरियम बन रखा हो या कोई डॉग रखा हो, तो जब आप कोई फिनिट वगैरह करने लगते हो ना, कुत्ता भी बाहर निकाल ले जाते हो, एक्वेरियम से भी उधर नहीं करते हो, क्योंकि वो सारे मच्छरों के साथ ये भी मर जाएंगे सारे,
या बीमार हो जाएंगे या मर जाएंगे, बाहर निकाल लेते हो ना। ऐसा ही ये ज्ञान है, ये जब अंदर जाता है ना, रजोगुणी तमोगुणी छोड़ सतोगुणी माया भी काट डालता है। कैसे काटता है? जैसे अब पहले आपकी एक अच्छी आदत थी, बुक्स पढ़ते रहना, टीवी में संत देखते रहना, अब ये ज्ञान अंदर गया, इसने ये शौक भी मार डाले, दुनिया भी शौक तो मारे मारे ये वाले शौक भी मार डाले। फिलॉसफी, फिर बात आ गई, फिलॉसफी विच आई वर्शिप इज अ ग्रेट डिस्ट्रॉयर, इट रॉब्स एंड रॉब्स टिल यू आर लेफ्ट अलोन। एक संकल्प, अहम ब्रह्मस्मि, बस एक ब्रह्म का निश्चय, निश्चय आत्मक बुद्धि का एक ही विचार, मैं ब्रह्म हूं, और कोई विचार ही नहीं आता है अंदर, ये हो जाता है खेल। कभी कभी आप सोचते हो कोई, कई शौक तो अच्छे थे टिक जाएं, वो भी नहीं टिकने देगा ये ज्ञान, कीमोथेरेपी है ये, अच्छे बुरे दोनों सेल मार के तुम्हें अकेला कर देगी, तेरा रूप नहीं है। और है अच्छा, क्योंकि देह वासना, लोक वासना, फिर शास्त्र वासना थी, कंटिन्यूसली जो आदत होती है ना पढ़ने पढ़ाने की कईयों को, है तो शास्त्र वासना, तो ये ज्ञान वो वासना भी मार डालता है। कि जब तक गुरु नहीं मिला अच्छी थी भाई, बुक्स पढ़ते थे, बुक्स तुम्हारे फ्रेंड्स थे अच्छे, बेकार की बातों से अच्छा अपनी नॉलेज गेन करो, इंटरेस्ट आता था, पर अब गुरु ने क्या किया, शास्त्र वासना पे भी गोली चला दी। ऐसा है ये ज्ञान, मन का कोई भी कोना जीवित नहीं रहता। आप कहते हो रजोगुणी तमोगुणी, ये चलते चलते सतोगुण भी मरेगा अंदर। बदमाश थे तीन, वो अपना कहीं से लूटपाट करके आए, बंटवारा कर रहे थे, पेड़ पे एक आदमी नजर आ गया। अब उन तीनों ने सोचा इसका क्या करें, इसने तो सब देख लिया, रपट कर देगा और परेशानी हो जाएगी। दो ने बोला इसको मार डालो, यहीं का यहीं काम तमाम करो, मार डालो। एक कहता है नहीं, मारो मत, हमको दोबारा काम मिला जा रहा है, हमारी क्या निशानी बता लेगा, इसको छोड़ देते हैं। वो उन दोनों से छुड़ा के उसको उसके घर तक पहुंचाने आ गया। अब वो आदमी बोलता है अंदर आओ, था तो बदमाश ना, बोला नहीं आऊंगा, वापिस भाग गया। तमोगुण रजोगुण इन दो की कैद से सतोगुण हमें छुड़ा लेता है, बराबर छुड़ा लेता है, और ये सतोगुण हमें हमारे घर के दरवाजे तक ले आता है। अपने स्वरूप में जागृत होने के लिए सतोगुण का व्यवहार जिज्ञासु को अपनाना पड़ता है। जितना भी हम लक्षणा बताते हैं ज्ञान की, गुरुमुख की, पार्ट ऑफ सतोगुण है सारा, सीधी बात है, सतोगुण ही है ना एक तरह का। सतोगुण हमें हमारे दरवाजे तक ले आता है। पर अब अगर कहो ना सतोगुण परम ज्ञान में भी साथ चले, नहीं चलेगा। इसीलिए 18वें प्रकरण तक आते आते अष्टावक्र मुनि क्या बोलने लगे, खंडन करने लगे, ना मैं करता ना मैं अकर्ता, ना मैं सोने वाला ना मैं जागने वाला, ना मुझ में दिन ना मुझ में रात, ये क्या हो रहा है? ये स्वरूप में सतोगुण का भी अभाव होता जा रहा है। संत सतोगुणी, सब हमें गाली नहीं दे सकते, दादा गाली दे सकते हैं, क्यों, दादा सतोगुण से भी परे हो गए हैं। अच्छा बनने की ज्ञानी को भावना ही ना बची। महापुरुष जो हैं, तत्व ज्ञानी जो हैं, वो सतोगुणी भी नहीं होते हैं, वो यथार्थ में स्थित होते हैं और तीन गुणों से उपराम होते हैं। ये सतोगुण तक भी जिज्ञासु का खेल है, पर मंजिल इससे भी आगे। सतोगुणी मन भी नहीं है ज्ञानी के पास। ज्यादातर आपको देखने में आएगा ज्ञानी के शरीर से शायद सतोगुण का व्यवहार हो रहा है, लेकिन गुलाम वो उसका भी नहीं है, वो उससे भी उपराम बैठा है।
जरूरत पड़े तो सतोगुण को भी, अब मान लो आपसे बड़ा प्यार है, बड़ी रिस्पेक्ट है, पर अगर कभी कोई जरूरत पड़ गई तो ज्ञानी डंडा भी उठा सकता है, लिहाज भूल जाएगा सारा। जब तुम्हारे मन को मारना है तो तुम्हारा लिहाज भूल जाएगा, फिर वो ये नहीं कहेगा ये तो मेरे बड़े प्यारे हैं, बड़े ऐसे हैं, बड़े वैसे हैं, होंगे। डॉक्टर के आगे बस आप पेशेंट हो, फिर वो नहीं देखेगा प्राइम मिनिस्टर है या मेरी बीवी है या मेरा पड़ोसी है। जो बॉडी पड़ी है बस वो एक बॉडी पड़ी है और उसको ऑपरेट करना है, अदरवाइज उसका इलाज ठीक नहीं कर पाएगा वो, कुछ भी सोचेगा। तो सत्वगुण के अधीन रहना, सत्वगुण की अधीनता, ये भी आत्मा की आजादी नहीं है। सत्वगुण की भी अधीनता से ज्ञानी उपराम है, वहां तक नहीं टिकता है। और जब तीन ही गुणों से उत्प्राम हुआ और तीन गुणों तक मन की वर्तन है, तीन गुण माया से उपजे, माया का विस्तार, तू क्यों इसमें उलझ रहा है, तेरा रूप अपारा, तो ज्ञानी कैसे कहे मन ने, त्रिगुणातीत हुआ मन की वर्तन तीन गुणों तक। आंखों का देखना कहां तक, जहां तक साकार है। ब्रह्म ज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म है, तो मन की बात क्या करेगा, आप कहां से आया मन, कौन सा मन, मन की कोई बात रह नहीं जाती। सत्वगुण तक भी सावधानी चलेगी, लोग क्या कहेंगे, ज्ञानी का धर्म क्या होना चाहिए आप बोलोगे, पर ब्रह्म ज्ञानी तो धर्म अधर्म से ही परे है। पूछो ब्रह्म ज्ञानी का क्या धर्म है, वो निर्धर्मी है, धर्म और अधर्म उससे लागू ही नहीं होता है, निर्धर्मी है। अशोक, हर्ष और शोक उसकी लक्षणा नहीं है, अशोक उसकी लक्षणा है, ना वो हर्ष में है ना शोक में। प्रियता अप्रियता ये व्यवहार उसमें है ही नहीं, अपनी दो आंखों में क्या प्रियता और अप्रियता का व्यवहार है। शरीर का कौन सा अंग है जिसमें अप्रियता भी है आपको, प्रियता अप्रियता, कुछ अंग ऐसे हैं जहां से गंदगी विसर्जित हो रही है, प्रियता का गुण भी नहीं है पर अप्रियता भी नहीं। ऐसे ज्ञानी के पूरे जगत में प्रियता और अप्रियता का कोई व्यवहार नहीं, कौन प्रिय कौन अप्रिय है ही अपना आप, सर्वमम रूप है। और ये जब तक बुद्धि मन बैठे रहते हैं ये तौलते रहते हैं, प्रियता अप्रियता, ये तराजू गिर गया, मन बुद्धि का स्तर ही नहीं रहा तो ये तराजू कहाँ रहेगा प्रियता अप्रियता वाला, ये पसंद है ये नहीं पसंद है, कोई भाव ही नहीं है ऐसा। आप कोई काम करोगे, एहसान दूसरे पे करोगे, शौक बीच में अपना भी होगा, क्योंकि अपना शौक जब तक बीच में ना हो आप कोई काम नहीं कर सकते। आपको मेरे को ना घसीट के फलाना मेरे को बाजार ले गया, पर जब तक आपका अपना मन ना होता, कुछ तो 90 उसका तो 10 आपका शेयर होगा, 80 उसका तो 20 आपका होगा, है ना, कोई ना कोई रुचि बनी रहती है तो भी सा काम कहलाता है। ज्ञानी उतना भी उपराम है इसीलिए निष्काम कहलाता है, पर सकाम और निष्काम का भेद भी उसमें नहीं है क्योंकि वो करता ही नहीं। जो करता होगा वो सकाम और निष्काम के फेर में बराबर पड़ेगा, पर जब मैं करता ही नहीं हूं, करता भी नहीं हुआ, करता भी नहीं, क्योंकि शरीर द्वारा अगर कुछ होना है सामने आ जाता है वो भी जाता है, हट नहीं है नहीं करूंगा, पर मैं करता भी नहीं हूं, तो निष्काम और सकाम भी मुझ में कहां से आया। तो इस दृष्टि से देखो आत्मा की, तो मन कहां है, भले फुरने हैं भी, फुरना उठा, लेकिन वो फुरना भी फिर मुझ में नहीं है, और उस फुरने से काम हो गया, फुरना लय हो गया, डिसीजन हो गया भाई सत्संग ही आना है, फुरना उठा, तैयार हो जाओ सत्संग का समय, ठीक है, बस चिंतन नहीं है, जाऊंगा ये करूंगा इससे मिलूंगा ये बोलूंगा, भाई कैसेट बंद करते तक भी एक संकल्प नहीं है ये बोलने का है।
फिर ना मैं बोलने में ना ना बोलने में अगलों के भाव और संकल्प, तो फिर मन कहां से हुआ बीच में, समझे?